टॉर्क एंड स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखिए नॉर्मली क्या होता है, हमारा जो टॉर्क हमारे जैसे मोटर्स जैसे हम उसको सप्लाई देते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है टॉर्क भी बढ़ना शुरू हो जाता है। ये स्टार्टिंग टॉर्क वो है बिल्कुल स्टार्ट में जैसे मोटर को फुल वोल्टेज दे देते हैं या फुल वोल्टेज दे देते हैं तो उसके बाद जैसे मोटर चलना शुरू होती है तो उसको लॉक रोटर टॉर्क कहते हैं। उसके बाद मोटर आहिस्ता आहिस्ता जब चलना शुरू होता है स्टार्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। स्टार्टिंग टॉर्क के बाद जब मैक्सिमम टॉर्क जो है ये है, ठीक है। मैक्सिमम टॉर्क के बाद क्या होता है, अब और उसके ऊपर लोड डालें तो मोटर क्या होती है उसका टॉर्क कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन टॉर्क भी कहते हैं। अब देखिए मोटर की एक स्पेसिफिक स्पीड होती है जो मैक्सिमम अचीवेबल स्पीड क्या होती है, सिंक्रोनस स्पीड, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड में जो आप सप्लाई दे रहे हैं उसी स्पीड के लिहाज से हमारा क्या रोटर और स्टेटर दोनों एक ही स्पीड पे चल रहे होते। जब मोटर सिंक्रोनस स्पीड से आगे चली जाए तो वो फिर मोटर मोटर नहीं रहती, ठीक है, वो जनरेटर बन जाता है। इसीलिए जनरेटर रेजर लिखा होगा, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड से जब ऊपर चला गया तो वो क्या होगा, जनरेटर आ गया। बाकी ये वाले क्रैटिस्टिक्स मोटर में है उसी तरह के रिवर्स क्रैटिस्टिक्स क्या होंगे, जनरेटर में होंगे, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे ब्रेकिंग रीजन में क्या होता है जी, हमारा मोटर को हम लेस देन एन इज इक्वल टू हमारी जो स्पीड और कम हो जाती है उस केस में। अच्छा ब्रेकिंग रीजन हम नॉर्मली ना मोटर को रोकने के लिए या स्पीड कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं टर्मिनल चेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जब सिंक्रोनस से कम वाली स्पीड होती है तो वो मोटर होता है, जब सिंक्रोनस से ज्यादा स्पीड होती है तो क्या होता है वो जनरेटर के तौर पर मोटर हमारे चल रही और वो रिवर्स सप्लाई दे रही होती है, ठीक है। फॉरवर्ड मोटरिंग जैसे आपको मैंने बताया यहां से जीरो से लेकर एस तक फॉरवर्ड मोटरिंग है, ठीक है। फॉरवर्ड मोटरिंग के केस में जीरो से लेकर एस मैक्सिमम जब मैक्सिमम स्लिप तक जाते हैं तो उसको स्टेबल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर एस मैक्सिमम ये वाला जो है ना यहां से लेकर यहां तक ये स्टेबल ऑपरेशन होता है और यहां से लेकर यहां तक इसको अनस्टेबल ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये नीचे वाला क्या है जनरेटिंग रीजन है, ये देखें ये लिखा हो एस एम से लेकर वन तक अनस्टेबल रीजन होता है। जनरेटिंग रीजन क्या है, जहां पे स्लिप की वैल्यू जीरो से माइनस वन के बीच में होती है।